श्री अमरनाथ यात्रा के वास तो अज तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 30 जून तो शुरू होने वाली यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी, 11 अगस्त को संपूर्ण होएगी, जिसके चलते श्री अमरनाथ यात्रा के वास्ते रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पंजीकरण की सुविधा देश भर के पंजाब नैशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक दी 466 ब्रांचां दे विच सारे सूबे दी जा रही है। इस दे नाल नाल अलग अलग हस्पतालों के भी सेहत प्रमाण पत्र बनाने के वास्ते प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के 13 साल तो घट या 75 साल तो वध उम्र के लोगों जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस दे नाल ही तमाम इंतजाम लगातार प्रबंधकों के वलों किए जा रहे हैं, तो अज तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऑर्गनाइजर्स के वलों इस बारे होर डिटेल भी दी जा रही है। मैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर हूं। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। यात्रा जो है वो 30 जून से 11 अगस्त तक रहेगी। आज से जो भी यात्री 316 शाखाओं के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाओं के अंदर आके वो यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। पिछले साल भी जिन यात्रियों ने अपने आप को यात्रा के लिए रजिस्टर किया था, वो भी यात्री चाहें तो दोबारा आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले साल के उस रजिस्टर उनको एक बार नए सिरे से नए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही अपने आप को रजिस्टर करना होगा। पिछले साल यात्रा के लिए 100 रुपये का फीस रखा गया था, इस बार यात्रा के लिए जो फीस है वो 120 रुपये है। पिछले बार जिन यात्रियों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है उनको इस बार केवल 20 रुपये मात्र देने हैं। 13 साल से लेके 75 साल तक के लिए सभी व्यस्क इसके अंदर यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज़, जो भी यात्री इस जगह, जो भी यात्री इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आना चाहते हैं, उनसे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो यात्री का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साइट के ऊपर कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी दी हुई है, वो केवल उन्हीं से करा के आए, और किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो मैं सभी इस माध्यम से मैं सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट उसी डॉक्टर से करा के लाएँ। हाँ जी, ये यात्रा दोनों रूट से शुरू होगी, पहलगाम से भी शुरू होगी और बालटाल से भी शुरू होगी। दोनों तरफ के लिए ही एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ना हो इसलिए हर रोज़ एक लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ही होगा। कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए जो श्राइन बोर्ड है वो भी अपने और भी कई कदम उठा रही है, जिसके अंदर की RFID भी हो सकती है एक कदम उठाया जाए। RFID का मतलब ये है कि वो चेक कर सकती हैं कि किस किस जगह पे कितने यात्री पहुंच चुके हैं, किस स्थान तक कितने यात्री पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ का जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट उसी डॉक्टर से करा के लाएँ। हाँ जी, ये यात्रा दोनों रूट से शुरू होगी, पहलगाम से भी शुरू होगी और बालटाल से भी शुरू होगी। दोनों तरफ के लिए ही एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ना हो इसलिए हर रोज़ एक लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ही होगा। कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए जो श्राइन बोर्ड है वो भी अपने और भी कई कदम उठा रही है, जिसके अंदर की RFID भी हो सकती है एक कदम उठाया जाए। RFID का मतलब ये है कि वो चेक कर सकती हैं कि किस किस जगह पे कितने यात्री पहुंच चुके हैं, किस स्थान तक कितने यात्री पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ का जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रही है। सर, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में होगी? ऑफलाइन मोड में आप शाखा के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाओं में आकर किसी भी शाखा उन शाखाओं के अंदर अपना फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं और साथ में आपको 4 फोटो भी लेकर आनी है। रजिस्ट्रेशन कब तक जारी रहेगी? रजिस्ट्रेशन किसी भी, जैसे 30 जून को यात्रा प्रारंभ हो रही है तो 22 जून तक उस तारीख के लिए अगर अवेलेबिलिटी है, नंबर अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला है कि हर रोज़
कितने यात्रियों को यात्रा पर्ची देनी है वो एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो अगर उस दिन की अवेलेबिलिटी होगी तो 22 जून तक भी वो ले सकते हैं। लेकिन मैं सभी इस माध्यम से मैं सभी जो भी यात्री अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले से आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको फिर उस दिन जिस दिन वो यात्रा करना चाहते हैं उस दिन वो रजिस्ट्रेशन का नंबर उनके पास अवेलेबल ना हो। आज सोमवार का दिन है और उत्साह बहुत दिख रहा है। आपके सामने देखिए कि काफ़ी सारे यात्री सुबह 10 बजे से पहले ही हमारी शाखाओं के अंदर आ चुके हैं। और केवल ये, मैं जम्मू में हूँ लेकिन हमें पूरे पैन इंडिया 316 शाखाओं से यही रिपोर्ट आ रही है कि यात्रियों के अंदर बहुत उत्साह है और वो पहले से ही हमसे फ़ोन पर भी जानकारी ले रहे हैं और हमारे कुछ नंबर्स हमारे सीनियर ऑफिशियल्स के भी साइट पे भी डाले हुए हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं। कुछ NRIs भी हैं वो भी, जो विदेशों से भी लोग आ रहे हैं वो भी इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हर एक बैंक का अलग अलग नंबर है, हर शाखा के अंदर भी एक लिमिटेड नंबर है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पंजाब नेशनल बैंक के अलावा JK बैंक है, यस बैंक है, उनके पास भी इस चीज़ के लिए ये सुविधा है। तो हर बैंक को एक लिमिटेड नंबर दिया गया हुआ है। सर बहुत खुशी है, हमें 14 साल हो गए जाते हुए अमरनाथ, आज हमें इतनी खुशी है। 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुई है, 2 बार कैंसिल हो गई सर यात्रा जी नहीं दी। इस दिन आज का बहुत खुशी का दिन है सर, बहुत मोल है कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। हम भोले शंकर से यही दुआ करें बाकी वालों की, जो भी भोले के भक्त हैं वो सभी आने चाहिए और खुशी का रश होना चाहिए। इस बार यात्रा बहुत अच्छी होगी, रश भी बहुत होगा और अच्छी तरीके से यात्रा चलेगी। गवर्नमेंट ने बहुत प्रबंध किए हुए हैं और हमें बहुत खुशी, आज हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2 साल के बाद हम जा रहे हैं, 14 साल से हम जा रहे हैं, 2 साल जा रहे हैं। हम बालटाल से ही जाते हैं, पहलगाम से भी। इस बार हम बालटाल से जा रहे हैं, पहलगाम से भी जाते हैं, बालटाल से भी जाते हैं, दोनों साइड से जाते हैं। इस बार हम बालटाल से जा रहे हैं सर। कितनी हवा बरसाने की, बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है सर, बहुत अच्छी हवा, बहुत कोई है, कोई परेशानी कोई नहीं है, रोड की कोई परेशानी नहीं है सर, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ आपको मेडिकल, आपको फिटनेस होना चाहिए, इंसान को कोई प्रॉब्लम ही होनी चाहिए ताकि बाकी। हम बहुत ही उत्साह है कि इस दिन बहुत खुशी है कि आज हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। 2 साल के बाद यात्रा, 14 साल हो गए हमें जाते हुए, बहुत ही आनंद ही आनंद है, बहुत खुशी है, बहुत है। आज हाँ हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है, बहुत खुशी की बात है। बहुत मेरे परिवार में सिर्फ मैंने और मेरी मिसेज ने एक बार उनको लेकर गया उनकी, क्योंकि हमने जाना था अपने हिसाब से, जो हम जा सकते हैं वो लेडीज नहीं जा सकती हैं। हमने एक दिन में अप डाउन बाल से करना, दूसरे दिन उधर से करना है, इसलिए एक ही बार मौका मिलता है बाकी बालों को लेने को। खुद तो हमें 14 साल हो गया जाते हुए कंटिन्यू। इसके आप कहने की बात पर से, क्योंकि 2 साल से जो ये यात्रा जो रद्द हुई थी कोविड की वजह से, तो हम बहुत मायूस थे क्योंकि बम बम भोले के दर्शन नहीं करते थे, जो हर साल जाने वाला होता या जो नई पहली बार जाता तो बड़ा वो होता, मतलब उत्सुकता होती है, वो बड़ा खुश होता है। तो इसलिए जब कुछ दिन पहले जो हमने सुना कि रजिस्ट्रेशन आज 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो हम आए हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए और देखते हैं इसमें क्या, क्योंकि इस बार थोड़ा प्रोसीजर अलग है, पहले कुछ अलग था और इस बार कुछ अलग है। तो आज हम देखें, अगर कहीं अड़चन भी आए तो हम गवर्नमेंट तक ये भी पहुँचा देंगे। इसमें यही सहायता होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मगर गवर्नमेंट ने पूरा वादा किया है कि इस बार जो यात्रा होगी वो अलग तरीके से होगी, तो यात्रियों को हर फैसिलिटी से उनको मतलब मैसर की जाएगी। बहुत ही उत्साह देखे, क्योंकि 2 साल रद्द हुई है यात्रा, 2 साल जब यात्रा रद्द हुई है तो लोग बहुत मायूस थे, तो ये मायूसी आज वो खुशी में तब्दील हुई कि आज जब रजिस्ट्रेशन यहाँ स्टार्ट हुई है। जम्मू तो खुशविंदर सिंह की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।